पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्ते बलराम साहब। ओ अमर बाबू नमस्ते, आइए आइए। सबसे मखमली आवाज के मालिक भारतीय सिनेमा के महानतम गायकों में से एक तलत महमूद। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे के तुझे प्यार करूं या न करूं। जिनका जन्म हुआ 24 फरवरी सन 1924 में शहर लखनऊ, राज्य उत्तर प्रदेश। इनके वालिद मंजूर महमूद जानते थे कि इनका बेटा बचपन से ही मौसीकी की तरफ अपना रुझान दिखा रहा है। क्या बात कैसे साहब? हालांकि इनके परिवार की तरफ से थोड़ी मुखालफत तो हुई और इन्हें अक्सर कहा जाता कि संगीत की तरफ रुख ना करो। एक वक्त ऐसा भी आया जब तलत महमूद साहब को परिवार और फिल्मों के बीच एक चुनाव करना था और इन्होंने फिल्में को चुना। सच बता तू मुझ पे फिदा, क्यों हुआ और कैसे हुआ? मार गई तेरी बाकी अदा, यूं हुआ और ऐसे हुआ। जरा वक्त में और पीछे जाएं तो पता चलता है कि तलत साहब पंडित SCR भट्ट की शागिर्दी में मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक में दाखिल हुए थे। ये वक्त रहा होगा कोई 30 की दहाई का। बतौर गजल गायक सन 1939 में कमाल कर दिखाया था। गाने की ट्यून तैयार है, मेरे ख्याल से आप आज ही से रिहर्सल शुरू कर दीजिए। क्यों साहब? जी बहुत अच्छा। अच्छा नमस्ते सर जी, शुक्रिया। इनके कार्यक्रम अक्सर ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किए जाते थे। उस जमाने की बहुत बड़ी कंपनी HMV ने तलत साहब की एक डिस्क भी निकाली। साल रहा सन 1941। आप हैं मिस्टर अमर, आकाशवाणी के एडिटर। नमस्ते। और इनके गाए हुए बोल थे, सब दिन नेक समान नहीं था, बन जाऊंगा क्या से क्या मैं, इसका तो कुछ ध्यान नहीं था। लखनऊ शहर में बतौर गजल गायक इन्हें बड़ी मकबूलियत हासिल हो रही थी और धीरे धीरे इनका नाम कोलकाता शहर तक पहुंचा। यह वो जमाना था जब उस्ताद बरकत अली खां, कुंदन लाल सहगल और M.A. राउफ का नाम बहुत बड़ा था। कलकत्ते शहर में भी इनके काम की बहुत तारीफ होती रही। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूं साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। और सन 1944 में तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना सकेगी, इस गाने ने वो कमाल कर दिखाया जिसकी कोई उम्मीद भी ना कर सकता था। पर अभी भी पूरी तरह से ये फिल्मी दुनिया में शामिल नहीं हुए थे, पर इनकी गायकी की वजह से इन्हें फिल्म इंडस्ट्री ने हाथों हाथ कबूल किया। ये बतौर गायक ही काम नहीं कर रहे थे बल्कि इन्होंने बतौर हीरो भी काम किया। वो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जी। मेरा मतलब है कि प्रेम के बारे में आपको क्या सवाल? इन्होंने कुछ बड़े मकबूल बंगाली गाने भी गाए और सन 1949 में इन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया जहां पर ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने। अनिल बिस्वास साहब का बनाया हुआ गाना ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो बहुत मशहूर हुआ और तलत साहब की आवाज़ में जो हल्का सा कंपन आता था वो लोगों को बहुत भाया। कुछ लोगों ने ये सुझाव भी दिया था कि तुम अपनी आवाज़ से कंपन गायब कर दो, पर अंत में इनकी असली आवाज़ ही काम आई। होंगे जब संग संग आने वाली है वो इन्होंने अपने जमाने की मशहूर मारुफ अभिनेत्रियों के साथ काम किया, चाहे वो नूतन रहीं कि माला सिन्हा या फिर गायिका और अभिनेत्री सुरैया। पर बाद में इन्होंने फिल्मों में अभिनय छोड़कर सिर्फ गायकी पर ही ध्यान देना शुरू किया। 50 की दहाई में तलत महमूद साहब का बड़ा नाम हो गया और इनकी गायकी का असर आने वाली पीढ़ी के गायकों पर भी नजर आता है, चाहे वो मेहदी हसन साहब रहे कि जगजीत सिंह साहब। आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहां से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की, हाय आँखों में मस्ती शराब की। इस बात पर भी गौर करना होगा कि तलत महमूद साहब भारत के वो पहले ऐसे गायक रहे जिन्होंने विदेशी टूर करने शुरू किए थे। बड़े बड़े फिल्मी सितारों को छोड़ लोग तलत साहब का इंतजार किया करते थे।
फिर तो वो ईस्ट अफ्रीका रहा या फिर यूनाइटेड किंगडम। हम फौरन अपनी कंपनी शुरू कर देंगे। और ये घर क्या चीज है, एक साल के अंदर अंदर इससे बहुत ऊंचा घर बना लेंगे। तरत महमूद साहब के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनका विवाह हुआ एक बंगाली लड़की से जिनका नाम रहा लतिका मलिक। आगे जाकर उनका नाम नसरीन हुआ। शादी हुई 20 फरवरी सन 1951 में। देख जिसे चंदा शर्माए सूरत हो तो ऐसी हो, सूरत हो तो ऐसी हो। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, बेटा खालिद महमूद जो आगे जाकर खुद एक गायक बने और बेटी सबीना महमूद। फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें सभी लोग एक आदर्श पुरुष के रूप में पहचानते थे और मानते थे। तलत महमूद साहब ने टेलीविजन पर भी कई कार्यक्रम किए और एक लंबे वक्त तक ये स्टेज शो करते रहे और 9 मई सन 1998 में इनका इंतकाल हो गया। मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का, बस नहीं चलता यहाँ इंसान की तदबीर का। यकीनन भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी एक सिरे से लिखा जाएगा तो तलत महमूद साहब का नाम पहली फहरिस्त में शामिल होगा। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।